और गाइस की आचार है, ठीक हो ना। आज हम बहुत ही बड़े मसले पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरथिंकिंग। अच्छा, ये मसला इस तरह की आपसे वो काम भी करवा देता है जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो आप बेड पे लेटे लेटे ही वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, मेसी और रोनाल्डो के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप दुनिया के सबसे फेमस सिंगर बन सकते हैं। और अगर इन सबको छोड़ के तुम टिकटॉक पे बदमाश बनना चाहते हो तो बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकाल लो, क्योंकि बाकी सबसे तो बंदा हाथ पैर मार के जान छुड़ा ही सकता है, लेकिन अगर टिकटॉक पे बदमाश बन जाए तो फिर काम मौका ने। और ऊपर से अगर तुम लड़की हो तो ये एक अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर लड़के बदमाशी करे तो थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन इधर तो लड़कियां भी घर में घुस के मारने की धमकियां देती हैं। क्या बात है जी, उन लड़कियों से यही कहेंगे कि जाने मन धमकियां सिर्फ टिकटॉक पे ना दो, घर में घुस के दो, क्योंकि हम वहां लेने के लिए तैयार बैठे होंगे। कहना बाजी पलटू उथे ऐसी गेम घुमा दांगे, जो साडा जक्का चलिया बादशाह घरों चुका दांगे। ऐसी बदमाश लड़कियां अपनी हरकतों की वजह से घर में अम्मी से मार खा लेती हैं, क्योंकि जब अम्मी आके कहती है बेटा उठिए जाके किचन में काम कीजिए तो ये आगे से कहती हैं जाइए निकलिए शक्ल गुम कीजिए, औकात में रहो। बेटा जितना झूलना है झूले पर झूलो, और हम तुम्हारे बाप है ये मत भूलो। तुम मानोगे तो नहीं पर यकीन करो, लड़कियों में बहुत वायलेंस भरा होता है, और जिन मासूम दिखने वाली लड़कियों को तुम मासूम समझते हो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स या फिर शौहर की वजह से मासूम बनी होती हैं। अगर वो भी अपना कमाती हो और उन्हें घर वालों पे डिपेंड ना करना पड़े तो वो भी धमकियां देने पे उतर आएंगी। अच्छा। लड़कियों किसी हालत को देखते हुए एक बहुत ही समझदार चरसी ने अपने होशोवास में कहा था कि नार और हथियार में ज्यादा फर्क नहीं होता। बात आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं कि यहाँ हथियार का लफ्ज गन के लिए इस्तेमाल किया गया। तो उसने कहा था कि नार और हथियार में ज्यादा फर्क नहीं होता। कैसे भैया जी, दोनों से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। जी भैया जी, इन दोनों का नशा जिसे भी हो जाए उसके एंड में लौड़े ही लगते हैं। ओके। और ये दोनों उसी के सामने झुकते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा हो। बदमाशों वाले एक्सप्रेशन देने का कोई फायदा नहीं है, डर तो तुमने छिपकली को देख के ही जाना है। ये सड़क पे चलती बाइक पे बैठी वो लड़की है जो एक्सीडेंट होने पे सबसे पहले चीख मारती है। यही नहीं, ऐसी लड़कियां अगर मूवी में किसी का गला कटता देख लें तो गोगलाए का अवतार हाथों को डर डर के उठती हैं। अभी और सुनिए, ऐसी लड़की शाम को देख के भागने की बजाय बेहोश हो जाती है। लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे बराबर होने, अरे पागल कभी पत्थर भी पहाड़ बने हैं। सुना है तुम्हें पहाड़ बनने का शौक है? हाय हाय। सुना है तुम्हें पहाड़ बनने का शौक है? बस बनी रहना, मैं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे चढ़ने का शौक है। इसकी बातों को सीरियस मत समझ लेना, क्योंकि लड़कियां सिर्फ लेती हैं, देती कुछ नहीं। और जो देती हैं वो पहले इतना कुछ ले लेती हैं कि बंदा कुछ और लेने के काबिल नहीं रहता। समझ रहे हो, समझ रहे हो? इन हबीबी लोगों को ही देख लो, जिस तरह ये लड़कियों के साथ लेन देन कर रहे हैं 10-15 साल बाद इन्होंने भी आटे की लाइन में लगे होना है। अच्छा। अब चाहो तो लाइक और सब्सक्राइब मार सकते हो, और बता सकते हो कि अगली वीडियो किस पे बनाई जाए। लखा रुपया गुआया।